तो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल ड्रैगन एनिमे। तो यार मैं आ चुका हूँ एक और नए वीडियो के साथ, जहाँ पे मैं आपको बताने वाला हूँ डेमन स्लेयर के सीजन 2 के रिलीज डेट अपडेट के बारे में, और साथ ही कुछ और अपडेट्स भी हैं डेमन स्लेयर को लेकर जो कि काफी इंपॉर्टेंट है। तो यार इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना, और अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से जाके चैनल को सब्सक्राइब कर दो, और साथ ही बेल आइकन को भी दबा दो ताकि इस चैनल से रिलेटेड इंटरेस्टिंग और एक्साइटिंग वीडियोस आपको मिलते रहें। तो चलिए दोस्तों, बिना देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। तो यार सबसे पहले बात करते हैं डेमन स्लेयर की मूवी के बारे में, जो अब जापान का हाईएस्ट ग्रोसिंग एनिमे बन चुका है और अब बढ़ चुका है पूरे वर्ल्ड वाइड में अपने नाम को और ऊंचा करने के लिए। तो यार गाइस, अगर आप डेमन स्लेयर की मूवी को इंग्लिश डब में देखना चाहते हो तो देख सकते हो, क्योंकि ये मूवी पूरे वर्ल्ड वाइड में अवेलेबल हो रही है, और अगर आप OTT प्लेटफॉर्म पर देखना चाहते हो तो देख सकते हो, ये मूवी वहां पे भी अवेलेबल हो चुकी है। और अगर मैं इंडिया की बात करूँ तो आप नेटफ्लिक्स इंडिया में देख सकते हो, वो भी लीगली, वरना तो इंडियन जुगाड़ू होते ही हैं। आप समझ रहे ना मेरी बात, मैं क्या कहना चाहता हूँ। तो चलिए छोड़िए जोक सपाट, अगर मैं बात करूँ डेमन स्लेयर मूवी की, तो इस मूवी ने काफी हाइप क्रिएट किया है, लेकिन उससे ज्यादा हाइप क्रिएट किया है डेमन स्लेयर के सीजन 2 ने, क्योंकि डेमन स्लेयर मूवी ने इन्फिनिटी ट्रेन आर्क को कवर किया है, जो काफी हद तक एक मूवी के लिए सूट करता है। और अगर मैं बात करूँ डेमन स्लेयर के सीजन 2 की, तो उसमें काफी चीजें रिवील होने वाली है, जैसे खासकर हासिराज के बारे में पता चलेगा, उनके पावर लेवल के बारे में पता चलेगा, उनके पोटेंशियल के बारे में पता चलेगा कि वो क्या कर सकते हैं और क्यों उन्हें स्ट्रॉन्गेस्ट डेमन स्लेयर कहा जाता है, और कैसे तांजिरो अपने दोस्तों के साथ अपने फाइटिंग स्किल को और इम्प्रूव करता है, और अपनी बहन नेजुको के लिए एक रास्ता ढूंढता है उसको डेमन से एक ह्यूमन बींग बनाने के लिए। तो यार काफी सारे सवाल है डेमन स्लेयर के सीजन 2 को लेकर, और ये देखना इंटरेस्टिंग होगा कि कौन कौन से चीजें हमें देखने को मिलने वाला है और कौन कौन से नए विलन से हमें इंट्रोड्यूस करवा जाएगा इस सीजन 2 में, जो सीजन 2 के हाइप को और क्रिएट करता है और बढ़ाता है। तो यार अब चलते हैं अपने दूसरे अपडेट की तरफ। तो यार याहू जापान ने अपने आर्टिकल के द्वारा ये बताया है कि जो डेमन स्लेयर का सीजन 2 है वो हमें जल्द ही देखने को मिलेगा। जी हाँ दोस्तों, जल्द ही देखने को मिलेगा, और हो सकता है कि इस स्प्रिंग सीजन के अप्रैल मंथ से ही स्टार्ट हो जाए। तो यार ये कितना सच होने वाला है वो तो हमें आने वाले दिनों में पता चलेगा, लेकिन याहू जापान वालों ने ये दावा किया है कि ये जो अपडेट है उन्हें डेमन स्लेयर के किसी स्टाफ मेंबर से पता चली है। तो यार ये कितना सच है और कितना झूठ है वो तो हमें ऑफिशियल न्यूज आने के बाद ही पता चलेगा, लेकिन गाइस इनके इस बातों पर गौर करना तो बनता है, क्योंकि इन्होंने कहा है कि अप्रैल मंथ में डेमन स्लेयर का सीजन 2 हमें देखने को मिलेगा। और गाइस दूसरे सोर्स के अनुसार ऐसा बताया जा रहा है कि डेमन स्लेयर का सीजन 2 जो है 2021 के मिड तक आ सकता है। भले ही अभी तक ऑफिशियल न्यूज नहीं आया है, लेकिन गाइस कहीं ना कहीं मैं इस अपडेट से, इस न्यूज से एग्री करता हूँ, क्योंकि मैंने अपने डेमन स्लेयर के पिछले वीडियो में बताया था कि डेमन स्लेयर का जो सीजन 2 है वो हमें स्प्रिंग सीजन या फिर समर सीजन में देखने को मिल सकता है। और ये भी कहा था कि जो डेमन स्लेयर के प्रोड्यूसर है हिकारू जी, वो भी एग्री करते हैं इस बात से कि डेमन स्लेयर का सीजन 2 जो है वो आना चाहिए, और वो इस बात के लिए आगे बढ़ चुके हैं। तो यार गाइस अगर आप पूरा वीडियो देखना चाहते हैं तो ऊपर एक कार्ड फ्लैश हो जाएगा, वहां पे आप जाके इस वीडियो को देख सकते हो। तो यार मुझे कमेंट बॉक्स में बताना है कि आप मेरे इस बात से एग्री करते हो या नहीं। तो यार जैसा कि याहू जापान के अनुसार अप्रैल मंथ में डेमन स्लेयर का सीजन 2 हमें देखने को मिल सकता है, और दूसरे सोर्स के अनुसार डेमन स्लेयर का सीजन 2 हमें 2021 के मिड में देखने को मिल सकता है। तो यार 2021 के मिड का मतलब तो समर सीजन ही होता है, जो स्टार्ट होता है जून मंथ से। तो यार ये दोनों जो अपडेट्स है, इन दोनों में से कोई एक सही हो सकता है ऐसा मुझे लग रहा है, क्योंकि डेमन स्लेयर का सीजन 1 जो है वो अप्रैल मंथ में प्रीमियर हुआ था, तो ऐसा हो सकता है कि सीजन 2 भी हमें अप्रैल मंथ से ही देखने को मिल जाए। तो यार ये तो मेरा अपना ओपिनियन है, वो तो डेमन स्लेयर के ऊपर डिपेंड करता है कि वो क्या करेंगे। तो यार अभी तो हमें इंतजार करना है इसके ऑफिशियल न्यूज का, और ये देखना है कि कब तक डेमन स्लेयर का सीजन 2 हमें देखने को मिलेगा। तो यार बस आज के लिए इतना ही, उम्मीद है दोस्तों आज की वीडियो आपको जरूर पसंद आएगी। अगर पसंद आई तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करना मत भूलना, और साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना भी मत भूलना। तो मिलते दोस्तों अगले वीडियो में एक इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ, तो गुड बाय।